और बड़ी खबर, पैरालंपिक पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। ब्रुनेई से ही फोन पर विजेताओं से बात करने की तस्वीरें आप सुन रहे हैं। एकदम बढ़िया सर, और वापस से मम्मी एकदम फिट एंड फाइन है, और आपका आशीर्वाद है सर साथ में। मेरी आपसे बात हुई थी और तब मुझे बहुत प्रभावित था कि आपकी माँ ने इतनी सारा आपके लिए खुद को इतना ट्रेन किया। हाँ जी सर, एक अद्भुत काम किया है माँ ने। थैंक यू सो मच सर, बाकी आपका भी आशीर्वाद है। और जो आप पैरा स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हो, जो खबर आई थी भाई आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जी, हाँ जी सर। हुआ फिर अभी? सर वो मैंने रिकवर कर लिया था, बहुत अच्छे से रिहैब पूरा करा था, और उसके बाद फाइनली मतलब रिकवर कर लिया था, मतलब पूरा उसको अच्छे से। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट है लॉस एंजलिस खेलेंगे, और जरूर अपनी पूरी कोशिश करूंगा और रंग बदलूंगा। सर इस बार का अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, और जो जो कमियां यहाँ पर रह गई है वो आगे कंप्लीट करनी है, उसको मतलब पूरा लेके चलूंगा, और जितनी भी जो गलतियां यहाँ पर करी है वो आगे नहीं दोहराऊंगा। आपके कोच खुश है कि नहीं है? हाँ जी सर, सब खुश है, लेकिन थोड़ा सा मैं निराश हूँ, लेकिन जब मेडल हाथ में आया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, तो सारी निराशा हटा दी थी उसने मेरी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और कौन है वहां? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर आपसे कि आप बताओ, ये कहना चाहूंगा कि सर आप ब्रुने में हैं और वहां पर बैठ के हमें फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सर आपको उस चीज के लिए। ऐसा है भाई, मैं दुनिया में कहीं पर भी जाऊं मैं तो हिंदुस्तान को जीता हूं। थैंक यू। और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति दुनिया में कुछ भी अच्छा करे तो मेरा तार तुरंत जुड़ जाता। थैंक यू सो मच सर इसके लिए, बस ऐसी आशीर्वाद बना के रखे आप। मेरे का टाइम मेरा अगर एडजस्ट होता है तो मैं एक बार बात करूंगा। हाँ जी, बस मैं यही कहता हूँ, एक बार मैं सभी खिलाड़ियों से तुरंत बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय का एडजस्टमेंट नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी सर, अभी भी कई प्लेयर हैं जिनसे बात रह गई है मेरी, जो विनर है। हाँ जी, हाँ जी सर, अभी मेरे साथ ये राकेश जी है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था वेट कम करोगे, वेट बढ़ रहा है यार। सर बस थोड़ा ये पैरालंपिक की तैयारियों में मैं 3-4 महीने पहले जैसी ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस तो कर पाया, लेकिन अपने वेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो सर अभी इसके बाद मेरा एक टारगेट है कि मैं अपना वेट ज्यादा ही कम करूंगा सर। लिए जरूरी है भाई, क्योंकि आपने ये ठीक है बड़ी उम्र में आपको चैलेंजेज आई, लेकिन आपने उन चैलेंज को सचमुच में बहुत हिम्मत के साथ आपने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है जी। मैं तो कई लोगों को आपका उदाहरण देता रहता हूँ। सर एक एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे मेरे वेट से सर थोड़ा सा जैसे आर्चरी में विंड होती है तो मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, वेट में थोड़ा फायदा है, तो इसीलिए भी मैंने सर ये पैरालंपिक को देखते हुए कम नहीं किया। तुम्हें अपने कोई अच्छी थ्योरी निकाल दी। तो सर बस यही है कि आपको और शीतल को बहुत बहुत बधाई, आपने अद्भुत किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। शीतल हाँ सर, शीतल है। हेलो नमस्ते सर, जय माता दी। शीतल जय माता दी, तो कैसे हो आप? देखिए माता वैष्णो देवी तुम्हारी कैसी मदद कर रही है। हाँ जी सर, माता रानी का पूरा आशीर्वाद है हमारे। माता रानी का आशीर्वाद कराते हैं। हाँ जी सर, क्या माहौल है तुम्हारा विजय प्राप्त करने के बाद, क्या माहौल है वहाँ? सर देखते हैं बस वापस आके। वहाँ आपने जिस प्रकार से अचीवमेंट किया है तो कई लोगों ने आपको विशेष रूप से मिलने की कोशिश की होगी, बात की होगी, मुझे सुनने की मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि आपने देश का